बस नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का मौसम बहुत ही खतरनाक ओस पड़ रही है हमारे यहाँ। और अभी मैं भी लेट उठा हूँ, लगभग सुबह की 9 बज चुकी है। और आप देख सकते हो अभी भी मेरे पीछे हल्का हल्का कोहरा है। मॉर्निंग टाइम में तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में पापा की ड्यूटी थी 5 बजे के लगभग। तो 5 बजे सुबह उठ के पापा को 5:30 बजे मैं सरी सीमेंट छोड़ने गया, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत ही स्लो बाइक चलानी पड़ी। अगर आप लोग भी अगर कभी बाइक वगैरह पर जाओ मॉर्निंग टाइम में जब ज़्यादा कोहरा वगैरह हो, तो प्लीज़ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बाइक या कार को बहुत धीरे चलाएं और आराम से चलाएं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि ऐसे मौसम में दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आप मेरे पीछे मेरे गांव का नज़ारा देख सकते हो। ये खेत है पीछे, जिसके अंदर कुछ बोई कर रखी है गेहूं वगैरह की, गेहूं और जौ की बोई कर रखी है। और ये मेरे गांव की गलियां आप लोग देख सकते हो। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, इसलिए सोचा अपनी YouTube फैमिली से बातें करते हैं हम थोड़ी। आयल को चीजी दे, ले ले, क्या चीजी लेनी है। तो गाइस, आज आर्मी दिवस भी है, तो आप लोगों को पता ही है हमारे फौजी भाई हमारे देश की रक्षा कैसे करते हैं। और इतनी सर्दी के अंदर भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे बॉर्डर पे वो डटे हुए हैं और दुश्मनों का सामना करते हैं, तो दिल से उनको भी सलूट, क्योंकि वो हमारे रियल हीरो है। और सभी को आर्मी दिवस की शुभकामनाएं। और बस मैं वीडियो यही ख़त्म करता हूं, क्योंकि इतना ही बोलना था आपको कि कोहरे का मौसम है, तो गाड़ी धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, ध्यान से चलाएं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि सडनली कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ से दूर किसी गांव के अंदर बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कोहरे की वजह से। तो आप भाई लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग गाड़ी ध्यान से चलाएं और धीरे चलाएं, कोहरे के कारण एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहे। जय जवान, जय किसान।